Faridabad Industries Association and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Program with Star Teachers of Faridabad. आज का हमारा जो विषय है वो चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से जंतुओं में पोषण के प्रकार, ये हमारा आज का विषय है। और इस टॉपिक पर बोर्ड परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है 3 मार्क्स में कि जंतुओं में कितने प्रकार का पोषण पाया जाता है उसका वर्णन करें, और जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पहले हम टाइप्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह का पोषण क्या कहलाता है, विषम पोषण कहलाता है। तो इसका मतलब हम अगर आंसर में लिखेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आप आंसर में लिखेंगे कि जंतुओं में विषम पोषण पाया जाता है। फिर उसे एक्सप्लेन करना है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पर, प्रकार हैं जो हम यहाँ अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर विषम पोषण को हम मुख्य 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जंतुओं में विषम पोषण के 3 प्रकार पाए जाते हैं, जिसे हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन जो है वो अलग अलग भी आ सकता है कि प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं और परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। बच्चों, अगर यहाँ हमारे पास डेफिनेशन आती है कि प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषण किसे कहते हैं हम, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि पोषण का वह प्रकार जिसमें सभी जीव अपने मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे। मैंने सेकंड पॉइंट पर लिखा है कि मुख यानी कि माउथ की उपस्थिति होना अनिवार्य है। भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कराने के लिए माउथ की रिक्वायरमेंट या मुख की उपस्थिति होना अनिवार्य है, और संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण होना चाहिए, शरीर के अंदर भोजन जाना चाहिए। अगर शरीर के अंदर भोजन प्रवेश करेगा तो उसका पाचन शरीर के अंदर ही होगा, तीसरा पॉइंट। और ऐसे जीवों को कहा क्या जाएगा, प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी भी कहा जाता है ऐसे जीवों को। और इसके बाद लास्ट में आपको देने हैं उदाहरण जिसमें अमीबा है, मानव है या आसपास पाए जाने वाले सभी जीव जंतु है, वो इसी विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, डायरेक्ट अगर डेफिनेशन आती है आपकी तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मृत जीवी पोषण। तो बच्चों, दूसरा जो प्रकार है विषम पोषण का, उसे हम कहेंगे मृत जीवी पोषण, जिसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, जिसमें अगर डेफिनेशन आती है तो आप कैसे लिखेंगे कि पोषण का वह प्रकार, नाम से ही पता लग रहा है मृत, मृत का मतलब मरे हुए, तो पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव जो है वो मृत जीवों यानी कि मरे हुए जीवों के शरीर के द्वारा या फिर गले सड़े पदार्थ जो होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करे, तो उसे हम मृत जीवी पोषण कहेंगे।
और ऐसे पोषण में जो भोजन का पाचन है वो शरीर के बाहर ही होगा, जो एंजाइम है जो भोजन का पाचन करेंगे वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं भोजन पर, और वो उसे पाचन करना शुरू कर देते हैं। तो भोजन का पाचन शरीर के बाहर होगा, और ऐसे जीवों को कहा क्या जाएगा, मृत जीवी कहा जाएगा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कवक, फफूंद और जीवाणु ऐसे उदाहरण हैं जो मृत जीवी पोषण में आते हैं। तो इसमें बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण दे तब भी आप ये लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और अगर प्राणी संभोजी में आ जाए डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा। और अब चलते हैं लास्ट में परजीवी पोषण, यानी कि थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए बच्चों, थर्ड टाइप जो हमारा लास्ट में आता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और पोषण का वह प्रकार जिसमें पर का मतलब है पराया, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर करने वाला। तो परजीवी पोषण वह प्रकार है पोषण का जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर और उसे बिना मारे अपना पोषण निरंतर प्राप्त करते रहते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल जब दोगे तो अमरबेल आपने सुना होगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जू है, लीच है, फीताकृमि है, तो ये सभी उदाहरण आप दे सकते हैं। बच्चों एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चन है वो सेपरेट भी आ सकता है, परिभाषा और उदाहरण। 1 मार्क में आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं, या ये कह दिया जाए कि फफूंद जो है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने में कैपेबल होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में जो जहां पर मुख की आवश्यकता हो, जहां पर शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए, जहां पर शरीर के अंदर जो है वो भोजन का पाचन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण, और ऐसे जीवों को प्राणी संपोषी कहा जाएगा। इसके अलावा वह पोषण जिसमें मृत जीवों को, पोषण का वह प्रकार जिसमें मृत जीवों से या गले सड़े पदार्थों से भोजन लिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे। और भोजन का पाचन शरीर के बाहर होगा, उदाहरण में हम कवक, फफूंद या जीवाणु का दे सकते हैं। परजीवी में पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण लेगा और जीव को मारेगा नहीं, अगर वो मार देगा तो वो पोषण कहाँ से लेगा, फिर अपना पोषण कहाँ से करेगा। तो ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है, जिसमें एक और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, थैंक यू।